अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, फिज़ा शकील की तबीयत कुछ नासाज है जिसके बायस वो आज गैर हाजिर हैं और उनकी गैर मौजूदगी में जो प्रोग्राम की जिम्मेदारी है वो मेरे कंधों पर है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हालिया दिनों में जो ख़बरों का पस मंज़र है उस पर अगर हम बात करते हैं तो वो JIT ही है और नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी बयान और इल्ज़ाम का जो सिलसिला एक अरसा दराज से जारी है वो आज भी जारी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ताजिकिस्तान के दौरे और चार मुल्की तवानाई मुआहदे के इजलास में शिरकत के बाद वतन वापस लौट चुके हैं, जबकि अगर दूसरी जानब हम बात करते हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तो उन्होंने कल नून लीग के तर्ज हुकुमरानी पर ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद भी की है और उन्हें कारामद सियासी मशवरे भी दिए हैं। अब वो उनके मशवरों पर अमल करते हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जबकि जरदारी साहब के मशवरे कमोबेश वही हैं जिनका इशारा चंद दिनों से सैयद खुर्शीद शाह भी दे रहे हैं। सबसे पहले हम आज की जो अखबारात हैं उनकी शह सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। जंग कह रहा है जाली एहतसाब हो रहा है, नवाज शरीफ ये कह रहे हैं धरने देख लिए, साजिशों से निपट लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अच्छे फैसले की तवक्को है, अफगानिस्तान का रास्ता नहीं रोका, भारत को राहदारी नहीं देंगे, मियां नवाज शरीफ का बयान जिसकी लीड लगाई, जबकि एक्सप्रेस ने लीड लगाई है मियां नवाज शरीफ का ही बयान है JIT के हवाले से कि मामला हल हो जाए, धरना पार्टी से निपट लेंगे। उम्मत ये कह रहा है कि शेल टैंकर धमाके की उग्र तहकीकात ड्रामा निकली है और दी न्यूज़ ये कहता है कि बीइंग सब्जेक्टेड टू फेक एहतसाब, नवाज शरीफ का ये बयान जिसकी लीड लगाई, और डॉन की लीड है JIT रिपोर्ट में नॉट बी लास्ट वर्ड ऑन PM's फेट और इमरान सबमिट्स चार्ट्स ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम एक्स वाइफ। ट्रिब्यून कहता है नथिंग टू फियर, अवर हैंड्स आर क्लीन, नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ का ये बयान, बयानात का सिलसिला दर सिलसिला जारी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सैयद अलमदार हैदर साहब सहाफ़ी हैं, कॉलम नवीस हैं और तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अलमदार, कैसे हैं आप? ठीक अलमदार हैदर साहब, जो ये JIT का मामला है मियां नवाज शरीफ के मुताबिक तो JIT जो है वो जाली एहतसाब है, बल्कि वो तो इसे एक साजिश कहते हैं, कैसे देखते हैं आप इस सिनेरियो को? देखिए मियां साहब, बल्कि मियां साहब के पूरे ख़ानदान को जो JIT में बुलाया गया, उनकी बेटी, उनके बेटे जी, उनके कज़न शफी, तो JIT को उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल किया है वो यकीनन मतलब कि मेरी समझ से बालातर है कि JIT सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया है उसमें नॉन बायस्ड गैर जानबदार मुख्तलिफ महकमों के लोग मुतय्यन किए गए हैं, जिसके अंदर MI और ISI के लोग भी हैं, स्टेट बैंक के लोग हैं, दीगर अदारों के हैं। मियां साहब का मुकदमा जो है जो हाई यानी सुप्रीम कोर्ट में जो चला था उसमें जजेस के जो कमेंट्स हैं, जजेस के जो रिमार्क्स हैं, जजेस के जो फैसले हैं उसकी रोशनी में आप ये देखिए कि उन्होंने तो क्लियरली दो जजेस ने कहा है कि ये नाहल है, बिल्कुल। तीन जजेस ने इनको मौका दिया कि मजीद एक्सप्लेनेशन की जाए ताकि कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहे। मतलब आपके ख्याल में वो तीन जज भी उन्होंने भी तकरीबन इनको बिल्कुल 50-50% चांस दे दिया है, बिल्कुल कहा है, और उसके अलावा सिसिलियन माफिया कहा है, गॉडफादर कहा है, गॉडफादर जिसने देखी है मैलन ब्रांडो की, उसके अंदर जो करेक्टराइजेशन है उसके अंदर जिस तरीके से जजेस को खरीदते हैं, थ्रेट करते हैं, कत्ल करते हैं, मुखालफिन करते हैं, स्मगल करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो ये पूरा एक पूरे पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे के में अगर आप देखें तो गुज़श्ता 30-40 साल से ये सिसिलियन माफिया स्टाइल की सियासत सिर्फ मियाँ साहब नहीं कर रहे हैं बल्कि दीगर रहनुमाओं का स्टाइल भी यही है, वो आसिफ अली जरदारी हो या अल्ताफ हुसैन हो, बैठी गंगा में सभी हाथ धो रहे हैं। नहीं नहीं, ये एक पूरा तरीकेकार है हुक्मरानी करने का, जाली वोट भुगतवाने का, ठप्पे लगाने का, कत्ल करने का, धमकी देने का, पैसे बनाने का। तो मियां साहब का स्टेटमेंट में पढ़ के हैरान हूं कि आप 3 दफा वजीर आजम रहे हो, आपको सोचना चाहिए कि JIT को अटैक करके आप क्या समझ रहे हो, बचगाना सा बयान लगता है, कोई अजीब सी बात है। उनकी बेटी का जो बयान था आप देखें कि सिविलियन सुपरमेसी के लिए हम मियां साहब जद्दोजहद कर रहे हैं, भाई सिविलियन सुपरमेसी का मतलब यह है कि पार्लियामेंट की यानी ताकत ऊपर, दीगर फोर्सेस नीचे, बिल्कुल।
उनका इशारा आर्मी की तरफ, के आर्मी की सुपरमेसी को ख़त्म करके सिविलियन सुपरमेसी कायम करना चाहते हैं। ये सिविलियन सुपरमेसी नहीं, करप्शन की सुपरमेसी है, बद्यांती की सुपरमेसी है। ठीक है, ये ऑफशोर कंपनीज आपकी कैसे हो गई, आपके पास इतना सरमाया कैसे जमा हो गया कौमी दौलत को लूटे बगैर। अब ये केस का फैसला 10 तारीख के बाद जेआईटी बंद हो जाएगी, बल्कि आज से बंद हो गई, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, 10 तारीख मतलब के जो आ गई। ठीक, ये रिपोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, वो कंसीडर करेंगे जजेस जो भी फैसला दे। ठीक है, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ है वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे नजर आ रहे हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो रहनुमा, मतलब ऐसा लगता है जैसे मुल्क का निज़ाम चलाने के बजाय तमाम जो इदारे हैं वो उनको बचाने के लिए वो बयानात का सिलसिला उन्होंने जारी कर दिया है। बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है अदालतों के बाहर और वो हर कोई आके अपनी बात कह रहा होता है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, तो ये उनका बॉडी लैंग्वेज आप कैसे देखते हैं, क्यों इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? इनके जो ये पपिट्स हैं, ये मोहरे हैं, या ये जो मोटू गैंग है या जीजी गैंग है, ये सारे लोग जो परवरदा लोग, इनका सियासी बैकग्राउंड क्या है? मुझे ये बताएं कि दानियाल अजीज परवेज मुशर्रफ के साथ रहे, दूसरे तलाल चौधरी साहब का क्या बैकग्राउंड है, कितनी उन्होंने जद्दोजहद की जमहूरियत के लिए, क्या मतलब सच्चाइयां हैं इस तरीके से। आबिद शेर अली, उनका इमरान खान, इमरान खान जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इमरान खान जो कह रहे हैं, वो जो इतना शोर मचा रहे हैं, उसके बारे में क्या? देखिए, इमरान खान साहब को जो क्रेडिट है इस पूरे उसका कि अमिया साहब के खासुल खास आसिफ साहब जो वजीर वफाकी वजीर हैं, उन्होंने कहा था मियाँ साहब छोड़ो गल, ए मतलब के सब भूल जाएंगे, अच्छा ये जो है ना ये भूल जाएंगे, लेकिन इमरान ने उसको जिंदा रखा। और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान करप्शन के खिलाफ कोई मानी खेज इंक्वायरी हो रही है, जिसमें मतलब के बहुत सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट साइंटिफिकली किया जा रहा है। अलमदार साहब, करप्शन तो इससे पहले भी थी ना, पहले इमरान खान कहाँ थे? नहीं, इमरान खान तो करप्शन के खिलाफ शुरू से लोग तो ये भी पूछते हैं ना, सवालात उभरते हैं लोगों के ज़हनों में, कहते हैं अब इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। नहीं, उसका इमरान का कोई वो नहीं है, इमरान का क्रेडिट सिर्फ ये है कि उसने पनामा केस, जो कि 100 जर्नलिस्टों ने इंक्वायर करके वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के रहनुमाओं के लिए किया था, उसको मतलब कि जो ये तो आसमानी आफत है, ये कोई मतलब इमरान की क्रिएटेड नहीं है और ये खुदाई मतलब के जो वो है जो कि मियां साहब फेस करें, और झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी इस तरह का नाम आ सकता ऐसा है, कभी ऐसी चीज हो सकती है। हमेशा मुझे याद है कि असगर खान केस में उनको कहा गया था, जो आईएसआई से फंड लिए थे इन्होंने, उसको एफआईओ का कहा था इसको एग्जीक्यूट किया जाए, वो भी मतलब फैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, जिसके अंदर सियासतदानों को आईजीआई बनाने के लिए पैसे दिए थे आईएसआई ने, असलम बेग और ये मतलब के जनरल दुरानी मतलब इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने इनको फंड दिए। ये पुराने भत्ता खोर पैदागीर, ये इस किस्म की मतलब सरकारी इमदाद देने वाले लोग, पपिट लोग, आज मर्द के बच्चे बन रहे हैं, जीआईटी को फेस करना चाह रहे हैं, आर्मी को फेस करना चाह रहे हैं, ये कैसे करेंगे? जीआईटी की रिपोर्ट, जैसे कि आपने भी कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 10 जुलाई को बेंच के सामने पेश हो जाएगी, रिपोर्ट के बाद जो मंतकी अंजाम है उसको आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? बहुत सिंपल है, अगला मरहला आएगा, देखिए नाहली, पहली पहला फैसला तो नाहली है, अच्छा 62-63 के तहत नाहली हो जाती है, जिस तरीके से जो जस्टिस ने डिक्लेयर किया जी जी, उसके बाद है मुकदमा, ये जो फंड्स कहाँ गए। आलमदार साहब, इस पर भी मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त फ्रंट पेज में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। सैयद अलमदार हैदर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे तज़ियाकार, और हम बात कर रहे हैं जीआईटी के हवाले से, मियां नवाज शरीफ के जो बयानात हैं, जो उनके इतराज़ात हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। अलमदार हैदर साहब, नून लीग की जो लीडरशिप है और मियां नवाज शरीफ की फैमिली की जानिब से जो जीआईटी के तरीक़ाकार पर इतराज़ात, यह जो तनकीद का जो सिलसिला एक जारी है, किस हद तक आपसे जायज या हक बजानिब समझ? नहीं, मेरा अंदाजा यह है कि इनको चाहिए ये था कि जीआईटी जो कुछ पूछ रही है उसके सबूत पेश कर दे। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने यही तलाश करना है ना कि मतलब कि जो सारी चीजें हैं, जो चार्जेस हैं आपके पनामा में जो लगाए गए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है।
ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, मुख्तलिफ महकमे बंदे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनके सवालात का जवाब देते थे, लेकिन उन्होंने स्टडी ये बनाई कि केस ये हार चुके हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल जाहिर होता है, दो जजेज और तीन जजेज तकरीबन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये सिसिलियन माफिया है, ये मतलब गॉडफादर है। ठीक है, अब उसके बाद जो ना इनको तवक्का तो नहीं थी बिल्कुल कि अगर मतलब कि हम जीआईटी में जाएंगे तो हमसे यही सवाल होंगे, जो हमारे पास प्रूफ नहीं है। ठीक है, इवन कतरी शहजादे का मतलब जो खत है उसको भी मतलब कि जो ना कंसीडर नहीं किया गया, कतरी शहजादा अभी तक नहीं आया। कल जो है वो गया था, अपना हुसैन नवाज साहब गए थे अपना दोहा गए थे, लेकिन वहाँ पे चार घंटे रहने के बाद फिर वो लंदन चले गए। यानी कतरी शहजादे को लाने की कोशिश की थी कि यार कतरी शहजादे से कोई डॉक्यूमेंट्स लेने की कोशिश की थी, ये करना चाहिए था जी, लेकिन इन्होंने जो रवैया अख्तियार किया ना वो बड़ा गैर जमहूरी और मतलब कि जमहूरियत के मुनाफी है। अब जरदारी साहब जो मशवरा दे रहे हैं, भी लीड लगाई ना कि पाकिस्तानी दायरा अख्तियार तस्लीम कर चुके, अब इनकार नहीं कर सकते, आपसे खत की तस्दीक नहीं, तफ्तीश मतलूब है जीआईटी का, जो कतरी शहजादे को आखिरी खत है। हाँ, ये तो हेडलाइन है इसकी। हाँ, तो कतरी शहजादा जो है उसने मतलब जो कहा है कि मैंने फलां से सुना, मेरे बाप ने ये कहा, मेरे फलां ने ये कहा, कोई एविडेंस, कोई चीज, कोई डेट, कोई मतलब के बैंक रिसिप्ट, कोई और चीजें जिसपे इनके वकला ने कहा था कि उस जमाने में सिस्टम नहीं था। जेआईटी तो ये कह रही ना कि हमने ये नहीं पूछा आपसे कि आपने खत लिखा नहीं लिखा, सुनी सुनाई बात थी या जो भी था, हमें तो आपसे तफ्तीश करनी है, सवालात करने हैं आपसे, तहकीकात मतलब है ना जी, जी। तो उसके लिए तो जाहिर है कतरी शहजादे को जवाब तो देना पड़ेगा ना, जब उनका नाम आया है। वो जवाब ही नहीं दे रहा है, वो तो मतलब कि यहाँ पे तीतर का या कौन से उसका परिंदे का शिकार करने जरूर आता है, घूमने के लिए आता है, फिर चला जाता है। इमरान खान साहब ने भी अभी बात की है कि वो जब शिकार पे आते हैं तब कोई नहीं पूछता है उनको, तब उनके पास टाइम मिल जाता है, और अब जब उन्हें बुलाया जा रहा है। नहीं, एक्चुअली हुआ ये है कि जो अभी तक जो हकायक है जी, मियां शरीफ साहब जो थे, जब मतलब कि भुट्टो साहब ने नेशनलाइज किया इत्तेफाक फाउंड्री को, तो मियां शरीफ साहब जो थे बड़े कारोबारी आदमी थे मरहूम, और यकीनन मतलब के बड़े तजर्बेकार, बड़े सीजनड आदमी थे मियां साहब के अब्बा। उन्होंने मतलब के मिडल ईस्ट उन्होंने गए मशरक वस्ता में, वहाँ उनके ताल्लुकात होंगे। फिर जब वापस किया ज़ियाउलक ने इनको इत्तेफाक फाउंड्री, तो इनकी मीटिंग दुबई के अंदर हुई है, उसके बाद इनके पास डील हुआ है, और ज़ियाउलक ने इनको फैक्ट्री वापस की है, फाइनेंसिंग की है, ज़ियाउलक ने बैंक से लोन्स दिलवाए। अच्छा, फिर वो इस्टेब्लिश किया होगा, उन्होंने बाहर इस्टेब्लिश किया होगा, यहाँ नेशनलाइजेशन हो गई यहाँ, तो इसके अलावा तो बाहर भी इस्टेब्लिश तो किया होगा। कहीं ना कहीं होंगे ना दमदार साहब। अब कहना ये है कि वो मनी जो यहाँ से गई, मनी ट्रेल ढूंढना है कि पैसा जो वहाँ गया, गया कैसे? गल्फ स्टील गया, कतर गया या सऊदी अरब गया, तो वो पैसा कहाँ का पैसा था, किसने दिया, मनी ट्रेल तो ये तलाश कर रहे हैं ना, कोर्ट तो ये तलाश कर रही है आप। अच्छा, फिर उसके अलावा भी देखें कि सिर्फ ये नहीं कि मतलब के जो फ्लैट्स की मतलब के लंदन के फ्लैट्स हैं, बल्कि ये जो बड़ी बड़ी मतलब के जो ऑफशोर्स कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां मतलब के जिसमें मरियम नवाज का भी नाम है, हुसैन नवाज का नाम है, हसन नवाज का नाम है, ये कंपनियां अरबों डॉलर की कैसे कायम हुई, कौन सा ऐसा बिजनेस था जिसकी वजह से आप इतनी तरक्की कर गए, इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। कोई मतलब ऐसी बात नहीं, कोई इल्जाम लगा, झूठा इल्जाम लगा, इसको एक्सप्लेन कर दें, खत्म बात। एक इल्जाम लगा है, आपसे सवालात पूछे जा रहे हैं, आप उनका जवाब दे दें, यही इस तमाम मसले का हल होगा कि वो क्या जवाब देते हैं, ये अहम बात होगी। बात हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं जीआईटी के हवाले से, मियां नवाज शरीफ के जो बयानात हैं और जो उनके जो हवारी हैं उनके बयानात और इल्ज़ामात के हवाले से हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखे। मैं सैयद अलमदार हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। अलमदार साहब, मरियम नवाज शरीफ का जो किरदार आप देखते हैं इस सारे सिनेरियो में,
क्या ये आइंदा कोई सियासी चेहरा इनके चेहरे को कुछ सियासी चेहरा उभरते हुए आप देख रहे हैं, कोई एक नया लीडर जो कि अपने इसमें नया एक उभरता हुआ लीडर आप देख रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इनको जो इनका किरदार देखें? मियां नवाज शरीफ के दो बेटे हैं और एक ये बेटी है, ठीक है, एक बेटी और भी है शायद, मरियम जो है वो मतलब के अपनी उनकी तरबियत हुई है बाकायदा सियासत में, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए मियाँ साहब ने उनको इंटरनेशनल विजिट्स पे लेके जाते रहे हैं, अमेरिका लेके जाते रहे हैं, दूसरी जगह लेके जाते रहे हैं। कुछ खबरें ये भी थी कि मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में वज़ीर आज़म हाउस का कंट्रोल भी यकीनन मरियम पूरा नवाज उनका जो मीडिया सेल था वो चलाती रही और ये सारा का सारा जो तलाल चौधरी और दारियाल अजीज और लेकिन कुछ बयान ये भी आते हैं कि वो सियासी तौर पर कोई उनका अमल दखल नहीं है मरियम नवाज का। नहीं नहीं एक्चुअली ये डिफेक्टो वज़ीर आज़म भी रही हैं जब नवाज शरीफ मतलब के मुल्क से बाहर रहे हैं और ये एक इनके साहबजादगान तो बेचारे पप्पू और बेचारे सादे लगते हैं, मतलब ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा सरगर्म नहीं लगते, लेकिन मरियम जो है बड़ी शार्प और तेज़ लगती है। उन्होंने अपनी अपीयरेंस जो दी है जो उसमें तकरीर की है और उनके जो लुक जेआईटी में हाजिर होने के बाद, ठीक है, तो वो यकीनन मतलब के पॉलिटिक्स में मतलब जिस तरीके से कंट्रोल है होल्ड है उनका आ सकती है, ठीक, और उनमें सलाहियत भी है। अब ये अलग बात है उनकी सियासत का महवर जो है वो जैसा कह रही थी कि मियाँ साहब पांच मरतबा आएंगे, मतलब तुम निकाल दो कैसे करोगी, जो उनका वर्जन है अपने मतलब के बाप के लिए है, अपने बाप की डिफेंस करने के लिए है और यकीनन उससे हम इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन एक सियासी लीडर तो हम देखते हैं ना कि वो तो आवाम के लिए बात करता है ना, वो तो आवाम के फेवर को देख रहा होता है, आवाम के जो तहफ़ुज़ात हैं उनको आगे बढ़ा रहा होता है। तो ये सिर्फ नून लीग के लिए सियासत करना या अपने वालिद के लिए सियासत करना, ये तो सियासी लीडर ये तो वरासत की सियासत जिस तरीके से मतलब के जरदारी साहब समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी लीडर बन जाएगा, इसी तरीके से मियाँ साहब समझते हैं एक लीडर बन जाएगा। जबकि मैं बताऊं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब शहीद कर दिया गया, जब उनको फांसी चढ़ा दी गई, जब उनको जेल हुई, तो बेनज़ीर भुट्टो ने जेलें काटी, जद्दोजहद की, 11 साल तक सफ़र करने के बाद बेनज़ीर लीडर की हैसियत से उभर के होके आई। बेनज़ीर को वरासत में नहीं मिली, उसने खुद प्रूफ किया। इसी तरीके से मरियम को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो भी मतलब कि लीडर है, या मतलब बिलावल को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जद्दोजहद कर सकता है, आवाम का दोस्त है। ये आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि ऐसे लीडरशिप नहीं मिलती है। ठीक है अलमदार साहब बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एबटाबाद से एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, ये जो मरियम नवाज है जो जीआईटी के सामने पेश हुआ जी, इसके बारे में तकरीबन आठ ले आने की और कुछ नहीं, सियासतदानों के साथ कुछ नहीं रह गई है, आठ महीने हो गए तकरीबन, इसका फैसला कोई नहीं आया, इसका फैसला जल्द आना चाहिए क्योंकि आवाम इंतजार में है फैसले की। मेरा बानी शुक्रिया। ठीक है, अच्छा जी आई ठीक है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख, मियाँ साहब के लिए शेर में पढ़ रहा हूँ। अरे भाई ये 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यहाँ पे कौन सा आदमी है जो करप्शन का शिकार नहीं है, कौन सा अदारा है जो करप्ट नहीं हो गया, दीनी जमातों से लेके गैर दीनी जमातों, सियासी जमातों, ट्रेड यूनियंस, जिस तरह देखते हैं करप्शन का बाजार का एक पूरा मतलब के जो बाजार ऑर्गेनाइज्ड करप्शन हो रही है और उसको जो ना लोग कहते हैं कि मतलब अगर जारी रही करप्शन, आप यकीन करें कि ये जीआईटी, ये आपके पनामा, इस केस में फैसला कुन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। अच्छा, और ये जजेस पे बड़ी जिम्मेदारी है और यकीनन मतलब के जजेस जो ना नहायत काबिल है, फर्स्ट टाइम ऐसी जुडिशरी आई है जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, वरना माजी में अच्छे जजेस भी आए लेकिन जजमेंट जो ना बहुत सारे खराब जजमेंट भी आए जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुल्क का मुस्तकबिल जो ना दांव पे लगा। तो अब उम्मीद है कि मतलब कि इसमें फेयर जजमेंट करें। मियाँ साहब से कोई जाती दुश्मनी नहीं किसी की, ठीक है, ना उनके खानदान से, भाई ये तो बड़े बबलू बबलू से लोग हैं, गोरे गोरे से मतलब चिट्टे खूबसूरत लोग हैं, हम तो उनको लाइक करते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे आप, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ चकवाल से। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जितने भी हुक्मरान पार्टी के वज़रा और अकाबरीन इस सारी प्रोसीडिंग के दौरान
वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं और दूसरी जो उनको डिफेंड करने में लगे रहे हैं, क्या एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि इस अमल पे भी इनका एहतसाब हो, क्योंकि अवामी मैंडेट बिल्कुल नहीं है, ये अवाम को सर्व करने के लिए अपने अपने एरिया से अपने अपने हल्के से लोगों ने नवाज शरीफ के खानदान को डिफेंड करने के लिए इनको पार्लियामेंट में नहीं भेजा था, बल्कि अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए और उनके सोल्यूशन के लिए उनको भेजा हुआ था। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के लिए अलमदार साहब। ये वही वाली बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, हम पहले बात कर रहे थे, शुरू में मैंने बात की थी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जीआईटी में हाजिर होने के बाद और उनके जो हवारी जो इल्ज़ाम का सिलसिला एक जारी रखते हैं और डिफेंड करते हैं, मुल्क का निज़ाम छोड़ के आप अपना काम छोड़ कर और एक शख्स को डिफेंड कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? लोगों के जहनों में ये बिल्कुल सवाल है। रमजान के दिनों में दहशतगर्दी हुई, तीन दहशतगर्दी के वाकयात हुए जी, आपके बानाचरार, क्वेटा, उसके कराची, इनके भी दहशतगर्दी हुई और मतलब के टैंकर हादसा, इतना बड़ा हादसा हो गया वो सानेहा, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं, मतलब के जो है किस किस्म के लोग हैं, ये सही कह रहे हैं कि नुमाइंदे मुंतखब आवाम अपने मसाइल के लिए करता है, ना के मतलब के जो ना एक शख्स को डिफेंड करने के लिए, आवाम के मसाइल अगर वो फेयर है तो आपको डिफेंड करने की जरूरत क्या, आपको खुद डिफेंड हो जाएगी। बिल्कुल, अच्छा अब ये सारा खेल जो है ना, मैं आपको बताऊं कि ये तमाम जो प्रोसीडिंग जीआईटी की चल रही थी इसमें इनकी आमद पे करोड़ों रुपए खर्च हुए, यानी इनकी सिक्योरिटी के लिए 2500 लोग जो ना मुतय्यन किए गए और मतलब प्रोटोकॉल मतलब के दिया गया, उनकी गाड़ियां, उनका अरेंजमेंट, उनकी चीजें, सिक्योरिटी, तुम्हें किस चीज का डर है? तुम्हें आवाम से डर है? आवामी लीडर को आवाम से तो डर होना नहीं चाहिए, कौन मारेगा भाई? ठीक है, इतनी हैवी मतलब इस गरीब कौम का अरबों रुपया जो ना आप इस किस्म की गलत किस्म के खर्चों में गंवा देते हो, लोग गुर्बत से मर रहे हैं, लोग एक लीटर पेट्रोल के लिए एक मतलब के आग में झुलस के मतलब के मर जाते हैं, 210 के करीब लोग मर चुके हैं अभी तक, कितने जख्मी हैं जो कि मौत और जो कि मौत के करीब है, और ये टेंडेंसी है। मैं आपको बताऊँ वाकया कराची में दो तीन साल, हाँ तीन साल हो गए, कोरंगी में मतलब जो है वो ऑयल रिफाइनरी जो थी उसका जो पाइप मुल्तान जा रहा था वो फट गया, ठीक है, और ऑयल फैल गया तमाम, वो कोई पेट्रोल नहीं था, ठीक है, वो क्रूड ऑयल था जो रिफाइन होने के लिए जा रहा था, ठीक है, वो ऑयल हजारों लड़के नौजवान, मैं तो कवरेज कर रहा था, मुझे याद है मैंने पुलिस के इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल को खड़ा किया, मैं बीपर दे चुका लखनऊ के खबरनामे लाइफ, आप यकीन करें लूटमार ग्रुप इतना खतरनाक था कि मेरे पूरी जेबों में हाथ डाल रहा था, मैं लाइव खड़ा हूँ, मुझे धक्के लग रहे हैं और लूटमार जारी है, मेंटल लेवल हो चुका है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अलमदार साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कुछ कम कर दीजिए तो मेरी आवाज आप सुन सकेंगे। हेलो जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कुछ कम कर दीजिए प्लीज। हेलो जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है जी। क्या पूछना चाहेंगे आप, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? तारिक जानी बोल रहा हूँ मैं, लाहौर से। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ ये जो पनामा का केस चल रहा है ये वाकई केस है या कौम के साथ मजाक है, कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारिक साहब लाहौर से बात कर रहे थे और उन्होंने उस शक को शुबे का इजहार किया जो अक्सर हम गुज़िश्ता जितने केसेस हुए हैं उनमें ऐसा होता है कि एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, ड्रामेटाइज कर देते हैं एनवायरनमेंट को, तो वो कह रहे हैं कहीं ये भी तो कोई ड्रामा नहीं, 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 ये बाकायदा 100 रिसर्च करने वाले जर्नलिस्टों ने दुनिया भर के ममालिक में होने वाली माली करप्शन को इंक्वायर किया है, रिसर्च की है, उसको पनामा केसेस कहते हैं, पनामा पेपर्स कहते हैं, नहीं, वो जो एनवायरनमेंट यहाँ है जो ये एनवायरनमेंट तो किसी मुल्क में नहीं है, उसके बाद पाकिस्तान में जो एनवायरनमेंट है इस वजह से कि किसी मुल्क में नहीं, बिल्कुल सही, जबकि मियाँ साहब को चाहिए था जब मतलब जिस तरीके बरतानिया का वजीर आजम जो मुस्ताफी हो गया उसने जवाब दिया असेंबली के अंदर जाने के बाद, ये दूसरे ममालिक के लोग मतलब पीछे हट गए, और सिर्फ मियाँ साहब नहीं है बल्कि 350-400 पाकिस्तानी ताजिर और ट्रेडर्स और बड़े बड़े लोग हैं जिसमें जजेस भी हैं,
जिसके अंदर सिविल ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े यानी यासीन मलिक जैसा मतलब के जो फार्मास्यूटिकल का सुपरमैन है वो भी इसका नाम भी है, बहुत सारे बिल्डर्स का नाम है। तो ये पनामा केस सिर्फ मियाँ के लिए नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए, और यकीनन इसकी इंक्वायरी होना चाहिए इन तमाम लोगों से। पैसा जायज अगर उन्होंने जमा किया है ठीक है, आप ऑफशोर कंपनी में आप पाकिस्तान लाओ यार, पाकिस्तान के आदमी हो तो पाकिस्तान से कमाते हो, पाकिस्तान को दो, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का फरोख करो, बिल्कुल। वो तो पाकिस्तान से जेबें भरने में लगे हुए तो वो क्या पाकिस्तान को देंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है रावलपिंडी से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कुछ कम कर दीजिए ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच सके और हम आपकी आवाज़ को सुन सकें। जी हेलो, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा जी, आ रही आवाज? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइएगा क्या पूछना चाह रहे हैं। सिलसिले में बात कर रहा था, हम एक दूसरे पे तंकीद तो बहुत ज्यादा करते हैं, एक दूसरे को हम बात करते हैं। जी जी हाँ, तो मैं बाजी बात कर रहा था, हम एक दूसरे पे तो जरूर करते हैं लेकिन कभी हमने अपने गैरवान में जाके नहीं देखा, कभी हमने कभी ये नहीं देखा कि दूसरा क्या कर रहा है, अपने घर में देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं, हम एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरे के ऊपर, हम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा ईमान कमजोर है। ठीक ठीक है, कॉलर हमारे साथ जो मौजूद थे उन्होंने जो अहम नुक्ता उठाया है, खुद एहतसाबी का अमल नहीं है हमने, बिल्कुल दुरुस्त कहा है उन्होंने। अगर हर शख्स अपना खुद एहतसाब करना शुरू हो जाए तो करप्शन तो अपनी मौत आप ये मुआशरा ऐसे नहीं सुधरता है। मुआशरे के सुधार के लिए जो लीडिंग अशराफिया है उसको अपना रोल प्ले करना पड़ता है, बाकायदा मुआशरे की तरबियत की जाती है, तरबियत की जाती है, एजुकेशन दी जाती है। ये मतलब जो ना तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं, लोगों को एजुकेट करने की तरफ तवज्जो नहीं, आपके बेवजह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अरबों रुपए के खर्च करके मतलब के बनाए जाते हैं, तालीम और सेहत पे खर्च नहीं किया जाता, इनकी एजुकेशन नहीं की जाती। मुझे याद आ रहा है कि पुराना वाक्य बता रहा हूँ, ये खलीफा अब्बासी खलीफा मोतसिम बिल्ला की हुकूमत थी और उस ज़माने में इमाम गजाली के जो बड़े जैद आलिम थे और दरवेश सिफत मतलब के इंसान थे वो थे, उस वक्त भी बगदाद के अंदर जो ना पूरी फ़िरकावारियत असबियत और डिबेट्स और मतलब जो मनाजरे हो रहे थे, इल्म की तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी और लोग जो ना मतलब एक दूसरे को सर काटने की तरफ दौड़ रहे थे। तो फिर खलीफा ने इमाम गजाली से राबता किया, उन्होंने कहा ये मसाइल कैसे हल किए जाए, तो इमाम गजाली ने कहा कि कल जो है जुमे की नमाज के जाम मस्जिद से मेरे जुलूस को बादशाह कांधा देगा। जब इमाम गजाली जो है ना उनके सवारी को कांधा दिया बादशाह ने बगदाद की सड़कों पे, तो सारे लोग जो है ना मदरसों के दरवाजे लोगों से भर गए क्योंकि उन्होंने देखा कि बादशाह जो है वो भी इल्म के नीचे है, तो लोगों ने इल्म का हुसूल किया। जब ये पता चले कि मतलब के यहाँ पे दौलत और सरमाया मतलब के ऊपर है और इल्म और सच्चाई नीचे है, तो लोग नाजायज दौलत बनाने के लिए दौड़ते हैं। और पाकिस्तान का खराबी यही है कि यहाँ पे लीडिंग लोग जो है यकीनन करप्शन, बदयांती, चोरी और मतलब के जो अकदार आला अकदार की नफी करते हैं। स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं, अब मेरिट बदल गया है, जिसके पास ज्यादा बड़ी गाड़ी है, ज्यादा बड़ा घर है, वो ज्यादा इज्जतदार हो गया है, सोच में ज्यादा तब्दीली आ रही है और यही मुआशरे का बिगाड़ है। अच्छा अलमदार साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मियां नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि मियाँ साहब शेर बने और साजिश बेनकाब करने के लिए पीपल्स पार्टी पर भरोसा करें, कितना काबिल अमल मशवरा है ये जरदारी साहब का? देखिए जरदारी साहब अपने आप को सियासी तौर से बहुत बड़े फनकार समझते हैं, मैं उन पर सिंपली एक बात करता हूँ उनके लिए कि उन्होंने पॉपुलर पीपल्स पार्टी को दौलत कमाने के लिए उसकी पॉपुलरिटी को फरोख्त कर दिया। ठीक, और मियाँ साहब ने जो ना उसको जो मशवरा दे रहे हैं वो शेर बने ठीक है, फेस करें, मतलब कि साजिश कौन कर रहा है ये बताएं, गलत है साजिश हो रही है, साजिश कहाँ से हो रही है, ठीक, साजिश करने वाले का नाम बताएं, आर्मी को डायरेक्ट कहना चाहते हैं तो डायरेक्ट कहें, ठीक है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है मतलब क्योंकि ठीक है। अलमदार साहब हमारे साथ कॉलर मौजूद है, वेट कर रहे हैं काफी देर से, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे, कौन बात कर रहे हैं?
जी वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं महफूज बात कर रहा हूँ कराची से। जी महफूज साहब, क्या बात करना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? CID के हवाले से बात करना चाहूँगा। इतनी लंबी तफ्तीश हो रही है, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, तो आप क्या, आप ये बताइए कि आवाम का आएगा भी या नहीं आएगा? ठीक है महफूज साहब। देखिए मैं तो ये कह सकता हूँ भाई, हाँ, कि JIT पे जो वक्त सर्व हो रहा है ये बहुत डेलिबरेट है, हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के में बैठे हुए जजेस यकीनन मतलब के फोर साइटेड है, वो यकीनन ये फैसला पहले भी कर सकते थे, दो जजेस ने किया था तो तीन भी कर सकते थे, एक का फर्क होता हो नायल हो जाते, हाँ। उन्होंने ग्रेजुअली मतलब एक्सपोज किया। आप देखें JIT का मतलब ये हो गया पूरे सिस्टम को एक्सपोजर हो रहा है कि स्टेट बैंक के अंदर में एंगल हो रहा है, एंगल से इसको गौर करें कि तमाम अदारे मतलब कि जिस तरीके से FIA है, स्टेट बैंक है, आपके जितने JIT के अंदर अदारे हैं, कोई झोल ना रहे, सारे फेल हो चुके हैं, उनको डिक्लेयर कर दिया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कि इन अदारों की वक्त ही नहीं लिया। अगर ये अदारे काम कर रहे होते सुप्रीम कोर्ट में ये केस नहीं जाता, FIA खुद करती इसको, ठीक है, आपके दूसरे अदारे करते, लेकिन ये नैब करती, लेकिन नैब वगैरह सब गैर फाल है। तो ये एक बाकायदा उन दानिशमंद लोगों की एक प्रोसेस है जिसके अंदर हर किरदार को खुल के सामने आना है, तो टाइम लगेगा। और सिर्फ मियां का मसला नहीं है, ये पूरे मतलब के मुआशरती अकदार की तब्दीली का एक प्रोसेस है। इसके अंदर मतलब के नवाज शरीफ हो या इमरान खान, ये तारीख लिखी जा रही है पूरी एक, बिल्कुल, इमरान खान हो या जरदारी हो, ये सारे या कोई भी हो, मैं हूँ, आप हूँ, हमारा मुहासबा होना चाहिए कि हमने क्या गलती की है, क्या बदमाशी की है, क्या मतलब कि मुआशरती अकदार को तब्दील करने के लिए ज्यादती की है, ठीक है। तो ये और इसमें अगर नस्लों को भी जवाब देना पड़े तो उन्हें जवाब देना चाहिए, उन्हें कहा ना कि 20 साल तक लोग याद करेंगे, ऐसा फैसला लिखा जाए कि 20 साल तक लोग याद रखेंगे, यकीनन होगा, मैं ट्रस्ट करता हूँ। आलमी सतह पर पाकिस्तान के इमेज को कैसा देखते हैं अलमदार साहब जी? आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो इमेज बन रहा है उसको कैसे देखते हैं? देखिए आप, पाकिस्तान का इमेज जो है, दुनिया जो ना बड़ी तेज़ी से मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो रही है, अमेरिकन सुपर पावर नहीं रही है, नए सदर के इंतखाब के बाद मजीद अमरीकी पॉलिसीज में गिरावट आई है, मिडल ईस्ट में मतलब कि जो ना आप देखें कि ममालिक के दरमियान जो है कॉन्फ्लिक्ट जो ना कतर के और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। माजरा तलमदार साहब हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं वसीम तुर्क, करो अलमदार साहब से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए अलमदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम, दुआएं आपकी, अल्लाह आपको सेहत दे। आप इतनी हिम्मत से बात करते हैं इन डिक्टेटरों के खिलाफ, क्योंकि ये अमरीत के डिक्टेटर मुझे नजर आते हैं, और इस वक्त जो इन्होंने 200 लाखों करोड़ों रुपए जो इन्होंने वकला पे लगाए, क्या वो इन्होंने अपनी जेबों से लगाई? जी कौमी सरमाया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगता है कि इन जे के 20-20 करोड़ रुपए की वकला को दिए इन्होंने अपनी जेबों से दिए, ये तो हमारे टैक्स के पैसों से यशें कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो आज अल्लाह ने ऐसा एक वक्त ला दिया है कि इनको 30 साल इन्होंने अमरीत का जो दौर जिस पौधे से पैदा हुए थे, ये तो आज हमारे अल्लाह ने इनके ऊपर ऐसा लम्हा लाया है कि अल्लाह पाक ने सरखरू कर दिया कि इन लोगों ने जो जो करप्शन की और जो शुरफा कमेटी के चेयरमैन बने हुए थे जी, तो आज ये लोग बेनकाब हुए हैं, बिल्कुल। और अलमदार साहब ये बड़ी इस वक्त कौम को जागने की, सोचने की अल्लाह सलाहियत दे, और मेरे उन दोस्तों को भी सलाहियत दे जो इनके पीछे घूमते हैं, वो भी अब थोड़ा सा एहतियात बरतें। नहीं नहीं बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये बड़ा तारीखी मौका है, 70 साल बीत गए हम करप्शन के भंवर में फंसे रहे, बदयंती के भंवर में फंसे रहे। देखें फौजी हाकिम हो या गैर फौजी हाकिम हो, अगर उसका किरदार दुरुस्त नहीं, आवाम दोस्त नहीं, तो बेकार है। तो अब ये एहतसाब जो हो रहा है, इस एहतसाब के ज़रिए से यकीनन मुस्तकबिल का जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए रास्ता हमवार हो रहा है, ताकि हमारी जिंदगियाँ तो बीत गई, अब आने वाली नस्ल जो हमारे बेटा है, हमारी औलादे हैं, वो तो एक बेहतर पाकिस्तान देखें जहां मेरिट पे काम हो, जहां सलाहियतों के मुताबिक काम हो, जहां मतलब उनकी अपनी मतलब कि जो जिंदगी जो है बेहतर जिंदगी हो।
आज मतलब कराची जैसा शहर जो के जो इंटरनेशनल शहर है, छठा शहर है दुनिया का, इतना बड़ा शहर है, इस शहर के आलम क्या किया इन सियासतदानों ने, इन मतलब के लोगों ने किस तरीके से शहर को बर्बाद किया। अब ठीक करने की पोजीशन में कोई करने की कोशिश नहीं करता। बारिश होती है तो अभी मतलब के मैं नर्सरी की तरफ रहता हूँ, वहाँ मैं देखा मेरे आधे कद तक पानी भरा हुआ था गलियों, बेंगलोर के अंदर मतलब के पानी भरा हुआ था। क्या नर्सरी का एरिया तो बड़ा पॉश एरिया है, आप उन कच्ची आबादियों कच्ची बस्तियों की तरफ जाकर देखें। मैं वहाँ गई हूँ, मैंने प्रोग्राम्स किए हैं और मैं देख रही हूँ वहाँ पे कि इंसान तो इंसान वहाँ तो इंसान इंसान जैसी ज़िंदगी भी नहीं गुजार रहा, जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी है उन लोगों की, उन्हें कोई कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम, लाहौर से सज्जाद भाई। मैं ये जानना चाह रहा था, आप माशाल्लाह दानिशवर लोग हैं, कि ये जो ताल्लुक है लूट मार करने का और ये जो ताल्लुक है एक दूसरे को लूटने का, और यानी कि जो भी हाथ में आता है वो उचक के लेके जाने का, इसके साथ इसका ताल्लुक जहालत से कहाँ से आ गया, तालीम से कहाँ से आ गया? ये तो इंसान की नेचर से इसका ताल्लुक है। अगर ये आग लगी थी और ये लोग पेट्रोल लेते हुए मरे थे, और ये अभी अभी आपने जिक्र भी है कराची में भी एक ऐसा वाकया हो सकता था, ये हुआ भी था, तो इसका ताल्लुक गुर्बत से क्यों आप जोड़ते हैं? इसका ताल्लुक इंसान की नेचर से क्यों नहीं, उसकी फितर से क्यों नहीं, उसकी लालच से क्यों नहीं, ये उसकी तबाह हाली से क्यों नहीं है? और इसका ताल्लुक क्या हमारे उन दानिशवरों से नहीं है कि जिन्होंने हमारी तरबियत नहीं की, या वो खुद इस काबिल नहीं थे कि हमारी तरबियत करते, हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया गया? और जब जवाब तो आपने खुद ही दे दिया ना, तरबियत नहीं हो रही है मुआशरे की, मुआशरे को एजुकेट नहीं किया जा रहा है, तो जाहिर है जो माइंड सेट होगा, जो मेंटल लेवल होगा वो तो लो ही होगा ना। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की है कि गुरबत से ताल्लुक नहीं इन चीज़ों का। आप ये देखिए कि फाइव स्टार डिनर्स, बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के खाने पीने का रिवाज, लोग किस तरीके से पढ़े लिखे लोग टूटते हैं, वो जाहिल तो नहीं है। ठीक है, अच्छा ये टेंडेंसी जो पाकिस्तानी कौम में पैदा की गई है ना, वो इस वजह से कि हुक्मरान बन गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, आला अकदार के हामियों को पीछे ढकेल दिया गया, और वो लोग जो के वल्गर थे, वो लोग जो लालची थे, वो लोग जो मतलब कि जो ना जिनकी मुआशरती अकदार मतलब दुरुस्त नहीं थी, वो लीडर हो गए, उनके अंदर लालच, उनके अंदर लूट, उनके अंदर तरीकेकार, ऐसा मतलब कि मुआशरे की अकदार तब्दील होती चली गई, और आज हम ये रोना मरो रहे हैं कि मतलब कि क्या होगा। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान कितना अच्छा मुल्क है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जहाँ पे बैक वक्त मतलब कि सर्दी भी है गर्मी भी है, चारों मौसम है, सुपर किस्म का आम है, सुपर किस्म का चावल है, समंदर है, दरिया है, पहाड़ है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, इससे गुर्बत और अफलास का खात्मा करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि अच्छी लीडरशिप आ गई है, पनामा केस का फैसला हो गया सही और इंसाफ हो गया, तो आप यकीन करें कि मुस्तकबिल का पाकिस्तान एक सुपर पाकिस्तान होगा। ठीक है, अब वो तो ज़रूर हम उम्मीद तो बहरहाल उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी भी चाहिए अच्छी, लेकिन ये सारा लिंक कर रहा है उसी एक केस के साथ, बिल्कुल उसी एक फैसले के साथ। आप समझते हैं कि वो फैसला ऐसा आएगा कि जो कि तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा? देखें, जजेस ने खुद कहा है कि 20 साल तक लोग याद रखेंगे। अच्छा, यकीनन याद रखने का फैसला है, आप देखें गौर करें, ये आप सतही तौर से ना देखें। अब इस फैसले के अंदर जो ना जो सिसिलियन माफिया का मतलब क्या है, अगर अल्ताफ हुसैन कराची शहर के अंदर मतलब गन पॉइंट पे मतलब पूरी मतलब के सियासी अकदार चलाता है तो किसका किरदार है? माफिया का किरदार है। इसी तरीके से मतलब पानी का माफिया, इसी तरीके से बिजली का माफिया, माफिया है, ठीक है, लैंड माफिया, तो पूरी मुआशरे को माफिया से निजात दिलाने का ये केस है। ये केस जो ना सिर्फ एक शख्स के खिलाफ नहीं है, एक शख्स तो उसमें एग्जाम्पल है। ठीक है अलमदार साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, हमारा मुल्क अल्लाह ताला का बेहतरीन तोहफा है, लेकिन जो करप्ट अनासिर हैं उसने इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है। हम कहाँ खड़े हैं सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।